दोस्तों कल का दिन टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा था, जहां पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ा ऐलान दोस्तों यहां पे किया, जहां पे टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए 2.0 वाला वर्जन आ चुका है, जहां पे पूरी की पूरी टेलीकॉम सेक्टर को राहत दे दी, एक रिलीफ पैकेज दे दिया है। लेकिन दोस्तों कुछ बड़े स्टेटमेंट यहां पे है 5G के लिए। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, 5G भारत में बहुत जल्दी आने वाला दोस्तों, यहां पे जनवरी 2022 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, बहुत जल्द दोस्तों आपको मार्च तक 5G देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ भारत सरकार 5G के स्पेक्ट्रम की में जो प्राइस है उसमें बहुत बड़ी कटौती करने वाली दोस्तों। तो 5G भारत में कब आएगा, इनके सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज हम यहाँ पे लेके आए, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहिए स्टूडियो के साथ अंत तक, मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। जैसे कि आप सभी जानते हैं 5G पूरी दुनिया में 5G आ चुका है, भारत में कब 5G आएगा दोस्तों, 5G के बारे में कुछ भी अपडेट होती है आपका भाई आपको सबसे पहले बताता है दोस्तों। बाकी सारी कंपनीज है ना, जियो, एयरटेल, वीआई, पहले से ही दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्ट्री को और भारत सरकार को बोल रही थी कि आपने जो बेस प्राइस 5G स्पेक्ट्रम का रखा है बहुत बहुत महंगा है, इसको सस्ता करो, इसको सस्ता करो, इसको सस्ता करो। अब उस पर दोस्तों बड़े स्टेटमेंट निकल के यार भारत सरकार दोस्तों यहां पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जो है नए वाले अश्विनी वैष्णव जी, इनके बहुत बड़े स्टेटमेंट निकल के इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। 5G ऑक्शन मोस्ट प्रोबेबली इन फेब 2020 दोस्तों, यस 2022 फरवरी 2022 और हो सकता है जनवरी में भी आ जाए, यस जनवरी में भी दोस्तों 2022 के जनवरी में आपको यहां पे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होते हुए नजर आएगी। अश्विनी वैष्णव दोस्तों यहां पे बता रहे हैं द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन विल मोस्टली प्रोबेबली बी हेल्ड फरवरी 2022 और द गवर्नमेंट मे इवन ट्राई टू जनवरी टाइमलाइन, जनवरी में भी हम ट्राई करेंगे कि जनवरी में हो जाए, फरवरी तो बोल ही दिया लेकिन जनवरी में हम यहां पे ला देंगे। और ये दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया, जब ये पूरा का पूरा रिलीफ पैकेज बता रहे थे इनसे पूछा गया कि 5G कब तक आएगा, कब तक भारत सरकार जो कि स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी तब तक कंपनी को स्पेक्ट्रम परचेस नहीं कर सकेगी, तब तक वो लॉन्च नहीं कर सकेगी। ट्रायल फिलहाल भारत में स्टार्ट हो चुका है, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारी की सारी कंपनी ने अपने अपने 5G ट्रायल्स यहां पे स्टार्ट करके रखे हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर यहां पे उनके ट्रायल्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। सरकार कब नीलामी करेगी स्पेक्ट्रम की, तो दोस्तों ऑक्शन यहां पे जनवरी में होने वाला, आप याद रखना जनवरी में होगा और उसके बाद कंपनी यहां पे लॉन्च कर सकेगी। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी चीज इन्होंने यहां पे जो अपडेट यहां पे दी कि क्या सरकार जो होगी यहां पे कुछ करेगी दोस्तों, उन्होंने बोला कि 5G टेक्नोलॉजी जो होगी उसकी प्राइसिंग जो होगी हम यहां पे कम कर सकते हैं, यस हां उन्होंने बोला कि यहां पे हम प्राइसिंग के बारे में देख रहे हैं और अगर हमें सारी कंपनीज बोलती है अगर वो सही है तो हम यहां पे कम करेंगे, और सारी कंपनी तो पहले से मांग रही है, जियो, एयरटेल, वीआई सब बोल रहे हैं कि 5G की जो प्राइसिंग है स्पेक्ट्रम की बहुत महंगी है, तो यहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया ऐसा होगा तो हम रेशनलाइज करेंगे और इसको जरूरत पड़ी तो हम इसको पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के हित के अंदर हम इसको हम कम भी करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा जरूर करेगी। तो उन्होंने हिंट दे दिया है जिस तरह से हम लाखों करोड़ रुपए यहां पे रिवाइवल पैकेज, रिलीफ पैकेज टेलीकॉम सेक्टर को दिया, तो हम डेफिनेटली 5G के स्पेक्ट्रम की जो कीमत है बेस प्राइस उसको बहुत बहुत कम कर देंगे। तो ये दो चीज उन्होंने बताई दोस्तों, पहली चीज के स्पेक्ट्रम की नीलामी जो होगी दोस्तों जनवरी में हो जाएगी, जनवरी में जैसे नीलामी होती है इनको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाएगा और वैसे ही आपको मार्च के आसपास दोस्तों फरवरी मार्च के आसपास आपको जियो, एयरटेल, वीआई, यहां तक कि बीएसएनएल जैसी कंपनी, बीएसएनएल तो शायद तक ना कर सके लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनी आपको 5G सर्विस भारत में देखते हुए नजर आएगी। दूसरी चीज क्यों करेगी, क्योंकि यहां पे 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी तो होगी लेकिन स्पेक्ट्रम की जो कॉस्ट होगी यस उसको भी भारत सरकार सस्ता रखने वाली है। और यह भी बात की जा रही है दोस्तों, अगर सोर्सेस की बात मैंने पहले बता दूं हमारे सोर्सेस ऑथेंटिक होते हैं, जो हमने आपको रिलीफ पैकेज बताया था वैसा ही हुआ था, तो अगर सोर्सेस की बात माने तो यहां पे भारत सरकार जो 5G स्पेक्ट्रम है दोस्तों, क्योंकि कंपनियों के पास पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है, हालांकि 4 साल का रिवाइवल पैकेज मिल चुका है, मॉरेटोरियम मिल चुका है, लेकिन जो 5G स्पेक्ट्रम होगा बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है, सस्ता होने के बावजूद भी हजारों करोड़ का होगा, तो हो सकता है सरकार वो ईएमआई प्लान दे दे। सरकार इनको दोस्तों यहां पे 10 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दे सकती है, जहां पे आप आज परचेस करो और धीरे धीरे करके अपने स्पेक्ट्रम की कीमत आप बाद में चुका देना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज निकल गई, जहां पे भारत सरकार हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत में जनवरी 2022 के अंदर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और 5G स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो सरकार बहुत जल्दी कम करने वाली, और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे आपको ईएमआई पे यहां पे इनको प्लान दिया जाएगा, जिससे जो कंपनी है उन पे बर्डन ना पड़े हजारों करोड़ का, धीरे धीरे करके अपने स्पेक्ट्रम को धीरे धीरे चुका सके। तो भारत में 5G बहुत जल्दी आने वाला फ्रेंड्स, तो मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड भारत में 5G के लेते हुए, और मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी सबसे पहले लाएगी, जियो, एयरटेल, वीआई कौन सबसे पहले लाएगा और प्लान क्या होने चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि अभी तक कंपनियों ने प्लान के बारे में डिस्कस नहीं किया है। प्लान क्या होने चाहिए, 1 GB की डेटा की कॉस्ट भारत में क्या होनी चाहिए 5G की, और यह भी बताइए दोस्तों
क्या आपको क्या लगता है भारत में 5G की स्पीड क्या होनी चाहिए? 40, 50, 100, 200, 300 या 1 GBPS? क्या 5G की स्पीड भारत में होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जो बताना फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चला गया। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है उसको जो दबा देना, उसको दबाने से हमारे VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो घंटे के बटन को जो दबा देना। और दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।